हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स, और अब हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 12th मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पोर्शन है। ओवरऑल पूरा मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ गए होंगे मैं कैलकुलस पर बात कर रहा हूँ। तो आज हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, और वैसे तो 11th क्लास से कैलकुलस का बेसिक स्टार्ट हो चुका रहता है, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन है, यहाँ से हम उसको बहुत डीपली स्टडी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम कैलकुलस स्टार्ट करें, कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट है जो आपको प्रिपेयर्ड होना है, जिसके लिए तैयार होना है। वो है पहला लिमिट। अब ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिए 11th क्लास से, फ्रॉम क्लास 11th। यहाँ से आप लिमिट मतलब सीमा तैयार कर लीजिए, ये आपको अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए लिमिट। और दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला ये आपको तैयार होना चाहिए। ये दोनों चीज़, और लिमिट के साथ साथ आपने अवकलन भी थोड़ा सा पढ़ा है 11th क्लास में, ये चीज़ आप रिविज़न कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप 12th क्लास में कनेक्ट हो पाएंगे। और बाय द वे, आपने 11th में इसको अच्छे से नहीं किया है तो कुछ चीज़ों तो मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा, अभी उसे तैयार हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा लिमिट पर बात करूं। लिमिट के जो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, सबसे पहले मैं कुछ फार्मूला आपको बता दूँ जो लिमिट पर बेस्ड हैं, जिसमें इसमें सबसे पहले जो फार्मूला आपको लिखना है, ये कुछ फार्मूला का मैं 8-10 फार्मूला का कलेक्शन दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। एक्स टेंस टू ए, ये सब आपको पढ़ा हुआ है, एक्स टेंस टू ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये। तीसरा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू भी वन होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है, ठीक है, इन्वर्स में वही फार्मूला होता है। फिफ्थ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है। सिक्स नंबर का फार्मूला है लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस वन ए टू द पावर x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू होता है लॉग a टू द बेस e, लॉग a टू द बेस e। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का होल पावर वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है, या इसको हम इस फॉर्म में लिखें, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के फॉर्म में लिखें तो वन प्लस वन अपॉन एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स का होल पावर एक्स इक्वल टू वन होता है, ठीक है, सॉरी वन ई होता है। इसका एक मैं जनरल फार्मूला बता देता हूँ जो हर जगह अप्लाई होगा, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एन एक्स का होल पावर वन अपॉन एन एक्स ऐसा हो तो ई टू द पावर एन होता है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको ध्यान में रखना।
ये सब आपका इलेवंथ में पढ़ा हुआ है, जिसको आपको रिपीट करना है, क्लियर। इसलिए मैंने एक बार इसका कलेक्शन दे दिया फार्मूला का। ओनली आपको फार्मूला तैयार हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंटिन्यूटी, मतलब सातत्य, और सातत्य पूरा लिमिट पर बेस्ड होता है। सातत्य आपको तभी समझ में आएगा, कंटिन्यूटी तभी समझ में आएगा, जब आपको लिमिट का पूरा फार्मूला पता हो। ये पूरे फार्मूले वहाँ पर यूज़ होंगे, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लिमिट। ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक फार्मूला और है, यह लिखना भूल गया मैं, एक और लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ही वन होता है। ये दोनों आप एक साथ लिखना, ये दोनों को, ये ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में है, ये ई टू द पावर एक्स, ये लॉग ए टू द बेस ई होता है, वो वन होता है, क्लियर। ठीक है, फिर मैं ये फार्मूला इरेज करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज कंटिन्यूटी, सातत्य। एक बार आप इलेवंथ क्लास का रिविजन जरूर कर लेना, या इलेवंथ क्लास में मेरे वीडियो देख लेना, लेकिन अभी यहाँ तक मेरा वीडियो मैथमेटिक्स में पहुँचने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग फार्मूले तो कम से कम अपने इलेवंथ क्लास से रिवाइज कर लेना, क्लियर। बाकी तो मैं बताऊंगा वही पढ़ाते समय। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सातत्य, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी सातत्य। सातत्य होता क्या है? सबसे पहले हम देखें इसका डेफिनेशन कि एक्चुअल में सातत्य होता है, सांतत्य भी कहते हैं, कई राइटर लोग सांतत्य लिखे रहते हैं, सातत्य इंग्लिश में प्रॉपर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब लगातार। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखो सातत्य को बनाने का लिखने का बहुत सा तरीका है, तो मैं जो पैटर्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो वर्किंग स्टेप अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसी वर्किंग स्टेप के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आसान मैथमेटिक्स है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। इसको देखो, तो सपोज वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, हमारे पास वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स है और उसको हम किसी पॉइंट पर, सपोज एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं ये चेक करना चाहते हैं। तो इसका चेक करने का जो वर्किंग स्टेप है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वर्किंग स्टेप्स, वर्किंग स्टेप्स का मतलब किन किन पदों से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना, पहला काम, मतलब जिस बिंदु पर हमको सातत्य चेक करने के लिए बोला गया है उस बिंदु को हम क्या है फलन में रखेंगे, और फलन में रखने से जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा वही फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू होगा। जनरली ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। सेकंड नंबर में हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालने का हमारे पास फार्मूला रहेगा फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो हम निकालेंगे, इसी तरीके से मैं हमेशा लिखूंगा, ध्यान रखना प्लस में राइट हैंड लिमिट, और ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। इस फार्मूला की सहायता से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अभी मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं वर्किंग स्टेप कि हम कैसे कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और तीसरा काम हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और ये निकालने के लिए हम फंक्शन ऑफ ए माइनस जीरो निकालेंगे। यहाँ जीरो हमेशा रहेगा, ए वह बिंदु है जिस पर सातत्य चेक करना है। मान लो हमको सातत्य जीरो पर चेक करना होता तो जीरो प्लस जीरो होगा, ये जीरो माइनस जीरो हो जाता है, क्लियर। दैट इक्वल ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। इस प्रकार से ये तीनों वैल्यू निकाला जाता है
और तीनों वैल्यू निकालने के बाद यदि फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो और फंक्शन ऑफ ए माइनस जीरो तीनों वैल्यू यदि आपस में बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है उस कंडीशन में, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जब फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस जीरो हो तो उस समय फलन क्या होता है, सतत होता है। और यदि तीनों में से कोई भी एक बराबर ना हो, यदि कोई भी एक बराबर ना हो तो फलन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है या असतत हो जाता है। क्लियर? तो ये आपको वर्किंग स्टेप को ध्यान में रखना है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं एक क्वेश्चन से आपको इसको फॉलो करके बता रहा हूँ। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके सातत्य की जांच करते हैं कि वह फंक्शन सतत है कि नहीं। वर्किंग स्टेप एक दो बार क्वेश्चन बनाने के बाद आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, सब क्वेश्चन फिर उसी तरीके से बनाना है। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल इस तरह से लिखा जाता है। पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3 जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और ये है 1, इसका वैल्यू 1 जब एक्स इक्वल टू 0 और हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, इसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 होगा जब एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, और फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होगा कब, जब एक्स जो है 0 के इक्वल होगा और हमको एक्स इक्वल टू 0 पर हमको इसके सातत्य का जांच करना है। क्वेश्चन है हमारा टू चेक द कंटिन्यूटी, मतलब सातत्य की जांच कीजिए कि दिया गया फलन सतत है कि नहीं। तो अब हम मैंने क्या बताया था, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, देखो जो वर्किंग स्टेप मैंने बताया था एग्जैक्ट वैसी चलेंगे। सबसे पहले मैंने बोला था फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू निकालना, और ए का वैल्यू अपने पास क्या है, 0। तो फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ 0 तो खुद क्वेश्चन में गिवन है। कैसे, क्वेश्चन बोलता है कि जब एक्स का वैल्यू 0 हो तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो फंक्शन ऑफ 0 क्या हो गया, 1। ये सपोज रिलेशन नंबर 1। मैं आपको बताया था कि जनरली फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। अब देखो फर्स्ट नंबर है सपोज, सेकंड नंबर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 निकालेंगे। फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 को हम लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच। ऐसा कैसे लिखते हैं, ये 0 है उसके जगह एच लिखा लेकिन बताया एच टेंस टू 0, दैट इक्वल। अब देखो, अब ये x का वैल्यू है, फंक्शन के सामने जो कुछ भी लिखा जाता है x का वैल्यू है, तो ये जो हमको फंक्शन दिया है उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम रखेंगे 0 प्लस एच। तो रख देते हैं, अब फिर लिमिट हट जाएगा, यहाँ से लिमिट रहेगा, सॉरी ना, लिमिट रहेगा, वैल्यू वहाँ पर पुट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एच का घात 3 प्लस 3, दैट इक्वल ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच क्यूब प्लस 3, दैट इक्वल यहाँ से एच का मान को हम यहाँ पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा 3। तो ये हमको मिल गया इसका वैल्यू 3। तो वैसे आगे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन अब 0 1 है और ये 3 आ गया, तो 2 तो बराबर नहीं हुए, मतलब फंक्शन ऐसी असतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मान लो हम निकाल दें तो हम क्या निकालेंगे, थर्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल, सब क्वेश्चन को लिखना ऐसा ही है, मैं दो चार क्वेश्चन ही बताता हूँ फिर आपकी ऐसी प्रैक्टिस रहेगी। ये हो गया फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच लिखेंगे इसको, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे
ये हो जाएगा 0 माइनस एच का पावर 3 और प्लस 3, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच 3 प्लस 3। अब एच को 0 रख दें यहाँ पर, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और आ जाएगा 3। अब यहाँ पर आप देखो कि ये, अब चूंकि फंक्शन ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0, इससे क्या पता चलता है कि फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0 और फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0 तो आपस में बराबर हैं, 3 है, लेकिन फंक्शन ऑफ 0 क्या है, 1 है और इसके बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या हो जाएगा, असतत, डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से फलन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान काम है, बस यही काम करना है, यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो फलन क्या हो जाता, सतत हो जाता है, ठीक है। तो सातत्य का चेक करना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये आपको लिखने का तरीका और प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या निकालना है और लिमिट पर कमाल होना चाहिए। तो खैर यहाँ तो लिमिट का ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं, अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वहाँ पर लिमिट का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फिर मैं मिटाता हूँ देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मैं इंक्रीज़ करूँगा ताकि आपको पता चले कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लिमिट में आपका कमांड होना चाहिए, लिमिट में कमांड है तो सातत्य में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कुछ भी आपके एक इशारे पर बनेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, ये मॉड में है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स और अपॉन एक्स अलग से है ये, और ये है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू है, और सेकंड है वन एक्स इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू वन होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पर हमको चेक करना है, क्लियर। तो चलिए वही प्रोसेस अपन अप्लाई करते हैं इसके सॉल्यूशन में, सेम टू सेम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ जीरो खुद गिवन है कितना, वन, ये लिख लिया वन, जनरली ये वैल्यू मैं बोला क्वेश्चन में दिया रहता है। अब राइट हैंड लिमिट जो कि है फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, दैट इक्वल, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ साइन जीरो प्लस एच अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, ये हो गया, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एच अपॉन एच, अब ये क्या है, मॉड ऑफ साइन एच प्लस एच होगा, तो दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया साइन एच अपॉन एच, दैट इक्वल, अब आपको एक फार्मूला फॉर्म में आ गया, अभी मैंने बताया साइन एक्स अपॉन एक्स थीटा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट का फार्मूला होता है और इसका मान होता है वन, ये हो गया रिलेशन नंबर सेकेंड। अब इसी तरह से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन आप जीरो माइनस जीरो लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, दैट इक्वल, वही काम है, बहुत आसान है। अब ये जो एक्स का वैल्यू है उसको पुनः यहाँ पर रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखो साइन माइनस थीटा मॉड ऑफ माइनस साइन एच हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, क्लियर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस को सामने लिख दिया मैं, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया साइन एच और अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिमिट टेंस करेंगे तो ये तो हो जाएगा वन और मिल जाएगा अपने को माइनस वन, ठीक है, तो यह अभी डिसकंटिन्यूअस है
क्या आंसर दिया है इसका? साइन एच अपॉन एच माइनस वन, यह भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए ठीक है, दो क्वेश्चन अपन डिसकंटिन्यूअस देख लिए, लास्ट में क्या लिख लेंगे, क्यों डिसकंटिन्यूअस हो गया देखिए अब ध्यान से। यहाँ पर फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू वन है, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो का वैल्यू भी वन है, लेकिन जीरो माइनस एच का जो वैल्यू है कितना आ गया, माइनस वन, ये डिफर करता है, ये बराबर नहीं है। तो फिर अपन लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, असतत है, फलन क्या है, असतत है, ये भी असतत हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि करना कुछ नहीं है आपको, जो फलन के तीन फॉर्म है इसमें तीनों फॉर्म को निकालना है, देखना है कि तीनों बराबर है तो सतत हो गए, और बराबर उनमें से कोई भी एक बराबर नहीं है तो असतत हो गए। ठीक है, चलिए अब एक आध दो क्वेश्चन अपन सतत पर देखते हैं, कुछ फंक्शन क्या होगा सतत होगा। सतत के एक आध तो एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, साइन कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो आपको लिमिट के नॉलेज होने पर आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेस्ट क्वेश्चन ये है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल पर ही लेता हूँ मैं एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, एंड सेकंड इज जीरो वेन एक्स इक्वल टू जीरो, और पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर हमको इसको चेक करना है। ठीक है, तो अब तो आपको लिखने का तरीका पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, दिस इज रिलेशन फर्स्ट। इसके बाद राइट हैंड लिमिट जो कि फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो होता है, फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इस एक्स के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हो जाएगा जीरो प्लस एच इंटू साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, क्लियर, दैट इक्वल ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच को हम लिखेंगे एच, ये हो जाएगा साइन वन अपॉन एच, साइन वन अपॉन एच। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसके साथ में जब h मल्टीप्लाई होगा और h टेंस टू जीरो होगा तो पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, वो जीरो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो, रिलेशन नंबर सेकंड। तो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये वैल्यू जीरो माइनस एच हम यहाँ पर रखेंगे, x की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच इंटू साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन वन अपान एच। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट को टेंस करेंगे तो एच सबको जीरो कर देगा, रिलेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ जीरो जीरो है, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो भी जीरो है, और फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो भी जीरो है, तो एक कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे सिंस फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फलन क्या है, सतत है, फलन सतत है। अभी तक दोनों फलन क्या आए थे, असतत आए थे, अब इस फलन को हम क्या हो गए, सतत, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हो गए। तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और लिमिट में कमांड होना चाहिए। अब कुछ मैं अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें बताता हूँ आपको, जिसमें फंक्शन पहले से सतत रहेगा
और उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स होगा, कोई चीज़ को मिस करके उसका वैल्यू जैसे के पुट कर देगा और बोलेगा के किस मान के लिए सतत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पैटर्न है और इस पैटर्न से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सातत्य के बाद अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, अवकलनीयता पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिबिलिटी, और उसके बाद फिर फटाफट कैलकुलस हमारा स्टार्ट हो गया। और कैलकुलस को अपने को रैपिड पढ़ना है, कैलकुलस का बहुत डिमांड है आप लोग का और कैलकुलस का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिसमें कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए मैं। चलिए पहले एक आध कंटिन्यूटी और चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपन एक क्वेश्चन लेंगे। ये इस टाइप के एक और कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर लेंगे के कमान निकालने वाला। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स जब एक्स इक्वल टू जीरो हो और ए अपॉन बी जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो और चेक करना है अपने को एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, पैटर्न तो क्लियर है आपको। चलिए अब सबसे पहले हम निकालें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालेंगे हम फंक्शन ऑफ जीरो, यहीं पर चेक करना है। तो फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए अपॉन बी रिलेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। ये लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इस वैल्यू को आप पुट करो यहाँ पर, तो यह हो जाएगा साइन ए जीरो प्लस एच अपॉन साइन बी जीरो प्लस एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये क्या हो जाएगा साइन ए एच अपॉन साइन बी एच। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर ये ए एच को वन करने के लिए ए एच चाहिए, तो ए एच का मैं क्या कर दिया, भाग कर दिया, और इसके लिए ये एच है ना बी एच, इसके लिए बी एच चाहिए तो ये मैं बी एच का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना एच एच तो कट जाएंगे, लेकिन मैं बी अपान ए एक्स्ट्रा कर दिया इसमें, तो बी अपान ए एक्स्ट्रा कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए अपान बी का गुणा कर। ये है लिमिट का कमांड, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको 11th क्लास में लिमिट अच्छे से बनता है तो यह सब एक मिनट का काम है। क्या किया एक बार ध्यान से दीजिए, साइन ए एच के अपान में ए एच होगा तभी वन होगा, ए एच लिख दिया मैं, बी एच के लिए बी एच चाहिए बी एच लिख दिया। अब मैं देखा कि मैं क्या एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कर दिया, तो एच एच तो आपस में कट जाएंगे, अब बी बटे ए कर दिया, तो बी बटे ए मैंने वहाँ पर लिख दिया तो उसको हटाना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए, तो बी को भाग देने के लिए यहाँ ए के लिए यहाँ लिख दिया ए अपान बी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कर दिया। अब आगे यदि इसमें लिमिट को पुट किया जाए तो दैट इक्वल, यदि इसमें लिमिट पुट किया जाए तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला फॉर्म में आ गया, ये वन होगा, और रेसिप्रोकल में भी यही होता है, ये भी वन होगा, तो ये दोनों वन हो गए, तो क्या बच जाएगा ए अपान बी। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि लिमिट का इसमें इस तरह से यूज हो रहा है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, दैट इक्वल। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच कहाँ रखेंगे, यहीं पर रखेंगे, तो यह हो जाएगा साइन ए जीरो माइनस एच अपॉन साइन बी जीरो माइनस एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जीरो माइनस एच माइनस साइन थीटा माइनस होगा, तो माइनस साइन ए एच अपॉन माइनस साइन बी एच, माइनस माइनस कट जाएंगे, और वही एडजस्टमेंट यहाँ पर भी, इसके लिए बी एच, इसके लिए ए एच, और इनके लिए फिर ए अपॉन बी, तो ये पूरा वन हो जाएगा और लिमिट रखने पर आ जाएगा ए अपॉन बी रिलेशन नंबर थर्ड। तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पर
फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू भी वन अपॉन बी, इसका वैल्यू भी वन अपॉन बी, इसका वैल्यू भी वन अपॉन बी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो, अतः फलन क्या है, सतत है। अब इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, लिमिट में आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये हमने कंटिन्यूटी को चेक कर लिया इस तरह से। सभी क्वेश्चन आप आज जाके अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपसे सब बन जाएगा। अब चलिए मैं देखता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ अज्ञात मान को हमको निकालना होगा कि उसके किस मान के लिए दिया गया फलन सतत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं उसके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक अकेले क्वेश्चन से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए फलन सतत होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन ऑफ एक्स इज, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है अपने पास 1 माइनस फोर एक्स अपॉन 1 माइनस फोर नहीं कास फोर एक्स, 1 माइनस कास फोर एक्स अपॉन 8 एक्स स्क्वायर वेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और के इफ एक्स इक्वल टू जीरो और 8 एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर चेक करना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिया गया फलन सतत है, आपको सतत चेक नहीं करना है, लेकिन के किस मान के लिए, के का हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मेथड तो वही रहेगा सॉल्व करने का। तो सॉल्यूशन अपन सबसे पहले निकालेंगे फंक्शन ऑफ जीरो। तो फंक्शन ऑफ जीरो पर फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, के है, ये हो गया के, और इसी का हमको मान निकालना है, ठीक है। बस लिखने के तरीके को समझने का काम तो वही है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, दैट इक्वल लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसका जो वैल्यू है अब यहाँ पर रखेंगे तो वन माइनस कास फोर जीरो प्लस एच अपॉन एट जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रहेगा, दैट इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो वन माइनस कास फोर एच हो गया ये, और अपॉन एट एच स्क्वायर, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कास टू थीटा होता है टू कास स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ना, सॉरी टू साइन स्क्वायर टू थीटा और अपॉन एट एच स्क्वायर, ऐसा लिखना है इसको, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है वन माइनस कास टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पर चलता है, लगभग एनी टाइम मैं आपको, देखिए अभी हम लोग को बहुत लंबे टाइम तक कैलकुलस पढ़ना है, बार बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, यदि कैलकुलस में आपको इंजॉय करना है, सीखना है, मजा करना है, बहुत उसको ईजी वे में लेना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला में कोई समझौता नहीं। तो ये हो जाएगा वन माइनस कास टू थीटा का फार्मूला यहाँ पर पुटअप कर दिया। आगे हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, दो से कटेगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू एच अपॉन, ये टू में कटेगा फोर, तो इसको हम लिख सकते हैं टू एच का होल स्क्वायर। अब देखो फार्मूला फॉर्म में आ गया, कैसे इसको चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसको हम लिख सकते हैं साइन टू एच अपॉन टू एच का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं था लेकिन लिख दिया। अब ये फार्मूला वन हो गया, तो कितना हो गया इसका वैल्यू वन, दिस इज रिलेशन नंबर
सेकेंड, ये हमने निकाल लिया। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, खुद दिया है। तो ये जो फंक्शन आप इसलिए लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए फंक्शन ऑफ जीरो जो है, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो के इक्वल होगा। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब तीसरा तो बराबर होगा ही होगा। तो फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है अपने पास, ये के, ये हो गया के। और फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो का वैल्यू हमने क्या निकाला, वन। तो के इक्वल टू क्या हो गया, ये वन हो गया। इस तरह से के किस वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूअस है, वन के लिए। के का मान कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्या आंसर देता है, वन। ठीक है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन जरूरी नहीं है ना, ऐसा मत समझना कि इतने से मार्क्स नहीं मिलेगा, मैंने साइड में लिख दिया। जब राइट हैंड लिमिट निकाल लिए तो वो दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि फलन सतत है। यदि हमको चेक करना होता तो हम तीसरा भी निकालते, और निकाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी वैल्यू वन आएगा। इस तरह से के वैल्यू वन के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आपने देखा होगा कि सातत्य का जांच करना या सतत बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड कराएंगे आपको, वो कंटिन्यूटी पर कराएंगे, ठीक है, मतलब अवकलनीयता पर। और सतत और अवकलनीयता बिल्कुल एक जैसा चीज़ है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कंबाइन कराऊंगा, जिसमें हम सातत्य का भी चेक करेंगे और उसके कंटिन्यूटी का भी चेक करेंगे। तो वहाँ पर कंबाइन क्वेश्चन होगा, तो सातत्य के एक बार प्रैक्टिस आपका और अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आप सातत्य को बहुत अच्छे से तैयार करिए, तो अवकलनीय तो अपने आप बनेगा, और फिर दोनों पर कंबाइंड क्वेश्चन बनेगा। ओके, थैंक यू।